हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये मेरा इंस्टा का प्रोफाइल है। तो मैं यहीं पे फोटो एडिट के न्यू न्यू कॉन्सेप्ट लाते रहता हूँ। तो गाइस, आज हम यही के ये वाली स्नैप वाली फोटो एडिटिंग करेंगे अपने पिक्सआर्ट और लाइट रूम में अपने फ़ोन में। चलो हम चलते हैं अपने वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि हम अपने पिक्सआर्ट में अपने बैकग्राउंड को ओपन कर दिया। बैकग्राउंड और पीएनजी जितने भी हम यूज़ करेंगे, इसकी सबकी लिंक आपको तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिए, मैंने अपनी मॉडल पीएनजी, मतलब मैंने अपनी पीएनजी ऐड कर ली थी। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो हेगा, जैसे देख सकते हैं, अभी इसको हम हमारे हेयर के पास बहुत से बैकग्राउंड, बाकी उसको मैं अच्छे से इरेज कर लूँगा। इरेज करने के बाद परफेक्ट उसको डन कर दूँगा। मैं अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ। वीडियो में थोड़ा फास्ट कर देना तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो हे गाइस, देख सकते हो आप कि क्या बोलते हैं, हमने अपनी एडजस्ट कर ली है अपनी मॉडल की पीएनजी। अभी हम स्नैक की पीएनजी हम ऐड करेंगे। तो अभी पीएनजी मिल जा और ये स्नैक की पीएनजी मिल चुकी है। अभी इसको हम ऐड कर लेंगे। अभी देखते रहिए गाइस, ये पार्ट अभी एक दो मिनट आप इसको गौर से देखिए, इसको पीएनजी को सेट करना का है और कहां कहां कैसे करना है। तो वीडियो आप देखते जाइए। गाइस, देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर लिया है। अभी इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक देखा जाए तो अभी हम यहाँ पे अभी एक पीएनजी ऐड करेंगे, लाइट की पीएनजी। चलो हम उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो अभी इसको हम अच्छे से यहाँ पे नीचे ब्रांड में स्किन कर देना है। फिर इसको थोड़ा सा नीचे एक्स एरो जाए, ऐसा हमको परफेक्ट थोड़ा सा, मैं जैसा सेट करो वैसा कर लेना है। फिर हमको एडजस्ट में चलना है। ये चाहिए, हाँ एडजस्ट में आ चुके हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना कुछ 80 या तो 100 ही कर देना सही रहेगा। अब बढ़ा लेंगे कुछ ऐसे, यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा, और फिर हम यहाँ पे गाइस थोड़ा घबराइए मत, क्योंकि फोटो मैंने एडजस्ट में जब गया था तो मैंने सिचुएशन थोड़ी कम कर ली है, तभी फिर आपको यहाँ पे ऐसा इसको टर्न कर देना है। तो गाइस, अभी हम इसको एक और हम लाइट पीएनजी ऐड करेंगे। तो चलो हम एड फोटो में जाके हम वो पीएनजी को ले आते हैं। और जितनी पीएनजी है बैकग्राउंड का यूज हुआ है उसको आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मैंने लाइट की पीएनजी ले ली है, इसको हमको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देखो गाइस, देख सकते हैं अभी थोड़ा ये लाइट के आजू बाजू जो लाइन आ रही है, अभी
फॉर्म सही कैसे करेंगे आप चाहेंगे, एग्जिस्ट में एग्जिस्ट में जाने के बाद हमें कॉन्टेस्ट चाहेंगे, कॉन्टेस्ट फॉर्म बढ़ा लेंगे तो 100 या 80 जैसा ही आप अपने हिसाब रख लेना। उसके बाद जैसा आपको अच्छा लगे फिर आपको इसको अच्छे से एग्जस्ट कर देना, जैसा मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसा ही कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम इसमें फेस पे डॉट डॉजन बन का इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए हम अपने ये टूल में चलेंगे, टूल में जाने के बाद हम एग्जस्ट में जाएंगे, एग्जस्ट में जाने के बाद हम जैसे एग्जस्ट क्लिक करेंगे इसकी ब्राइटनेस को तो हल्का सा इंक्रीज कर देना, हल्का तो नहीं पूरा इंक्रीज कर देना, और हाईलाइट को भी कम कर देना है। ब्रश को हम 20 देखिए मैं जैसा ब्रश साइज रख रहा हूँ वैसे ही आपको रख लेना है। ये आपको ऐसी फेस पे जहाँ जहाँ डार्क है आई मीन डल है वहाँ को और डार्क कर देना ताकि उसका इफेक्ट आए। तो देख सकते हैं ऐसे ही कुछ कर लेना है। बाद हमको यहाँ पे रोटू में जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे तो जो स्नैक की है की शेड बनानी है तो ब्लैक कलर ले लेना है आपको। तो ये ब्रश पे जाना है, ब्रश के आइकन पे ब्रश पे नीचे हाँ ये 107 इंच के कुछ 70-80 का लेना है। लेकिन मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आपको फेस पे और हमिंग शेडो के लिए शेड कर देना है। और शेडो भी हल्का था
तो गाइस आपको ये फोटो को सेव कर लेना है।